मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार और सुरक्षा कर्मियों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से मारपीट शुरू कर दी थी। वहीं मुरादाबाद के पत्रकारों ने मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने भी पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब पुलिस ने दोनों ही पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। SSP मुरादाबाद जाँच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। होटल रिजेंसी में 2 दिन पहले एक राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी समाप्ति की तरफ था, तो उस समय एक घटना संज्ञान में आई थी, जिसके संदर्भ में पुलिस कार्यालय पर उपस्थित होकर के डॉक्टर अवधेश पारासर, जो कि एक प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष तहरीर में उन्होंने अपने को अंकित किया है, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि संबंधित राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी और जो उनके सदस्य हैं उनकी तरफ से पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई। इस संदर्भ में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही इसमें एक क्रॉस FIR संबंधित राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से तहरीर के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसमें मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पहले से प्लानिंग करना, छवि धूमिल करना और जो सरकारी गार्ड थे उनके साथ मारपीट करना इत्यादि आरोप लगाए गए हैं। जो भी धाराएं थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अभी तक किसी भी पक्ष ने कोई भी अपना मेडिकल रिपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स पुलिस को उपलब्ध नहीं कराए हैं। जितने भी कैमरे लगे थे होटल में उनके CCTV फुटेज इकट्ठा किए गए हैं, साथ ही कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, उनको भी इकट्ठा कर लिया गया है और इसमें जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी निष्पक्षता के आधार पर फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।